फाइनेंशियल हेल्प दे दें, और अगर कोई जॉब अरेंज हो सकती है तो जॉब जो है वो अरेंज कर दें। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। आप अब हमें ये बताया कि आप कितने अर्से से इस कमरे में रह रहे हैं, कितना किराया आपको ऊपर आ गया हुआ है, इसका कितना किराया आपने लेना है, पे करना है, ठीक है। और आपकी यकीनन ये जो बाल बड़े हैं ये भी, उसकी भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, यकीनन आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नजर आ रहा है। हाँ। तो ये भी बताएं कितना कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया हुआ है, और इस टाइम आपकी करंट कंडीशन जो है आपकी जेब में कितने पैसे जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, आप खाना खाने के लिए भी क्या आपको मुश्किल होगी, इंटरफेशन के वजह से बताएंगे। मैं इस वक्त तो मैंने रेंट जो पे करना मेरा खैर 37,000 35,000 रेंट है, और बाकी जो मेरे मैंने जो मेरे जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो तो हैं। मैं यूएई में 1.5 लाख कमा रहा था पाकिस्तानी, 6,000, तो फिलहाल तो मेरे पास जॉब नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया और जॉब का कुछ नहीं बना, ठीक है। और नाराज किस बात पे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आपने मुझे जबानी कलाम में बता दिया, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। यार ये स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, वो ये स्टोरी है कि अपना पेरेंट्स के डिवोर्स हुई थी, मैं कभी फादर के पास रहता था, कभी मदर के घर रहता था। फादर का घर मॉन्टाउन में था, वो शिफ्ट हो रहे थे, मदर जो हैं वो जुडिशल कॉलोनी में रहती थी, ठीक है, वो सामने जो है जस्टिस कॉलोनी किनाल रोड पर। यार डिवोर्स हुई थी जिस वक्त हम फिफ्थ में मैट्रिक मैंने किया 92 में, ठीक है, 92 में मैट्रिक किया, और डिवोर्स लगा लो साहब पांचवी में, हम कौन सा ईयर था जब फिफ्थ में जब डिवोर्स हुई थी तो हम फिफ्थ में थे। डिवोर्स होने के बाद जो है हम लोग फादर के पास रहे हैं, फादर के साथ इंटर तक, ठीक है, बाकी भाई भी साथ ही रहते थे। हाँ तीनों, ठीक हो गया। तो क्या नाम है, जब यूनाइटेड अरब अमीरात में थे जब आपके पास आए थे तो क्या बात हुई थी सर, जब वो आपके पास आए थे उधर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे हो, तो मैंने कहा मैंने उधर बैंक्स के पैसे देने हैं यूएई में, ठीक है, एक बैंक है वहाँ पे, अभी भी मैंने उनके पैसे देने हैं, 35,000 दिरहम देना है। ये तो मैं 2014 में वापस आया हूँ, अब पता नहीं कितने पैसे हो गए हैं वो तो, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा वापस क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ वापस, तो कहते हैं मैं पैसे दे देता हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसे, लेकिन फिर भी $1,000 ले लिया मैंने उनसे, 1,000, बस इस तरह हुआ। तो जब यहाँ पर आया तब मुलाकात हुई आपकी उनके साथ, इसी तरह की। अच्छा बेहतर, और कोई बात करना चाहते हो एक दफ़ा दोबारा अगर आप हेल्प मांगना चाहते हो उनसे? यार हेल्प तो मैंने, आपने मुझसे पहले भी क्वेश्चंस किए थे, पहले भी आपने कहा था कि हेल्प चाहिए, वो वीडियो बनी थी, वो आपने ऑनलाइन भी की है, ठीक है, लेकिन वो अपना क्या कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। नाराज़ होने की वजह ये थी कि मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा था, द गल्फ टुडे के लिए, मैं 8-9 साल वहीं पे रहा हूँ, फादर के साथ मैंने कांटेक्ट नहीं किया, जिस लड़की के साथ निकाह हुआ था उसके साथ डिवोर्स हो गई, वो लड़की ने खुद कहा था डिवोर्स चाहिए, तो इस बात पे नाराज़ हो गए और मैं वापस आ गया, वापस आके प्रॉपर जॉब मिली नहीं है। अस्सलामुअलैकुम यार, मसरूफियत क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी का करता था मैं, वो भी आजकल आपके सामने ही है क्या हालात हैं, मुल्की हालात हमारे क्या हैं, और साथ ये को थोड़ा उसका कि गाड़ी शाड़ी का काम था बस। अच्छा कुनैन भाई, ये हमने शहपुर इमाम बिन हसन का इंटरव्यू किया तो उसके बाद हम आपके पास आए हैं, तो वो आजकल बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उनकी हालत भी आपने देख ली हुई है कैसी हुई हुई है, तो ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है? वो कहते हैं मैंने अपने फादर से मिलने की बड़ी कोशिश की, तो इसके वाले से आप क्या कहेंगे, ये क्या माजरा है, क्या वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने कोशिश की, मैं भी गया वहाँ पे साथ, ये भी थोड़े दिन पहले ही होके आया मैं वहाँ से, तो नहीं मिले, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये है कि वो मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्होंने क्या मिलना, उन्होंने वो इकट्ठे रख भी नहीं सकते ना हमें वहाँ पे, तो उन्होंने बकायदा जिच किया हुआ है ना, एबनॉर्मल कर दिया बच्चों को,
वो आपके सामने है, वो नॉर्मल नहीं है। वो मैंने बताया था कि ये इसका मेंटली ये अपसेट हो गया। दूसरे साहब ये हैं मसूफ बैठे हुए, ये असफर इमाम बिन हसन है, ये उनके हमसे साल छोटे, वो मेरे ट्विन्स हैं शेपर साहब, ठीक है जी। ये साल छोटे हैं, इन्होंने MBA किया हुआ है, ये भी माशाल्लाह निशान है हसन निसार साहब का ही। अच्छा, कुरैन भाई ये बताइएगा कि आप पहली शादी में से हैं, तो ये शादी डाइवोर्स कब हुई थी, डाइवोर्स की क्या वजह थी, तो क्या ये कोई लड़ाई झगड़ा की वजह से बच्चों में कोई चीज़ डेवलप हुई है उस वजह से ऐसा हुआ, इसके वाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दें ज़रा। नहीं बिल्कुल, देखें आप, जब आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप अपनी और जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, फिर आप शादी क्यों करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं? शादी ना करें, बच्चे ना पैदा करें, शादी कर लिया तो फिर उसको भी निभाएं, निभाया नहीं जाता। फिर कम से कम औरत पर तशद्दुद ना करें, जो ये करते थे, जो हसन साहब करते थे मेरी वालदा के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों पर तशद्दुद किया। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक, जिसे कहते हैं कि सही मानों में तशद्दुद करना हर बात पे। जो अलहदगी हो गई, पाला इन्होंने, इनके पास रहे, फिर शाम को जो जिस भी हालत में माशाल्लाह आते थे घर शाम को, वो फिर आके तो बच्चों पे गुस्सा बाहर का निकल रहा होता था। अब 12 साल के बच्चे को क्या पता, 12 साल के बच्चे को आकर तुम डपाटे मार रहे हो, ज्यादती है ये तो। ये अब नॉर्मली आपके सामने ही है ये दोनों भाई। अच्छा कुरैन भाई, ये आवाम को ये बताया है कि क्या नाम है, ये बच्चे जो उनसे थे पहले बाप के पास रहते थे, तो ये जबर अपनी खुशी से अपनी माँ के पास गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है, पहली बात तो ये कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये मामला क्या है। मामला ये है, पहले वालदा पे तशद्दुद होता रहा, उसके बाद हम थे, ये अपनी स्ट्रगलिंग के एज में लगे हुए थे, उनकी स्टेज थी ना, उस वक्त वो कुछ करना चाह रहे थे, उस करने करने के चक्कर में बच्चों पे तशद्दुद होता रहा, बच्चे फिर जैसे जैसे सेंसिबल होते रहे, फिर शादी भी हो गई। इनसे पहले ही 2 साल पहले ही मैं भाग गया था। क्यों? खाना भी मैंने, सफाइयां भी मैंने करनी है घर की। वो भाई, वो बच्चों के साथ सलूक क्या कर रहे हैं आप? वो ये इन्हीं के अल्फाज हैं कि भाई, किक कर बोगे तो कंडे उगण गए होते, अंगूर नहीं उगने, तो ये किक कर बोए हुए हैं ना इन्होंने। अच्छा क्या नाम है, आप यही बताएं कि जब आपकी वालदा को डाइवोर्स हो गई, तो कुछ चैनल्स उनसे हैं, आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आप उसको, वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा को हसन नसार साहब ने घर भी लेकर दिया था। जरा आप बताएं कि क्या हसन नसार साहब की जो पहली वाइफ थी, क्या वो इस पोजीशन में थी कि उन्होंने घर लिया था उनसे, क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, उल्टा इवन देन कि इन्होंने ही कुछ लिया होगा, ये तो लिखी पड़ी बात है। वो खाते पीते घर की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो भी थी वो रजे हुए घर की थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो जो इनके हालात थे वो इन्हें खुद बेहतर पता है, या अल्लाह, वल्ला आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। बहरहाल मामला जो है ना वो और ही है, मामला ये नहीं है कि भाई जेन नहीं मिला, यूं नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत बयान है, ठीक है। जरूर अपने मस्तियों में रहते थे उस वक्त एज में, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है इस मामले में, क्योंकि ठीक मैंने है। आंखों से तो इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन जो देखा हुआ है वो भी काबिले गुफ्तगू नहीं है, जो देखा हुआ है वो भी नहीं है। खैर छोड़ दें इस चीज को अच्छा ना। अच्छा आपने कभी मिलने की अब कोशिश की है कभी, या उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया? यार ये बात इस तरह है कि वो तो मिल सकते ही नहीं है, उन्होंने जो औलाद के साथ अपनी किया हुआ है, जो पहली औलाद के साथ किया है, जो अब औलाद के साथ कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं? आप एक तरफ थप्पड़ो थप्पड़ी बच्चों को आके मारना, दूसरी तरफ जो है आप बड़े लाड प्यार से बच्चे पाल रहे हैं, तो वो कैसे? वो खुद गिल्टी है अंदर से, उनके अंदर ये चीज जरूर चल रही होगी कि यार ये मैंने ये किया है, और ये ज्यादती हुई है इन्हें खुद। बाकी अल्लाह जानता है बेहतर क्या है, क्योंकि देखिए दुनिया का हिसाब है, दुनिया में ही रह जाना है, जिस दिन कब्र में गए उस दिन हिसाब का पूरा भंडार निकलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही निकलेगा। तो ये लास्ट टाइम कब आपके फादर से मुलाकात हुई है, कुछ है आपको आइडियाज का? आइडिया नहीं, मुझे पक्का पता है कि जो मुलाकात हुई थी वो भी सिर्फ देखने की हद तक, वो भी जब मेरी दादी फौत हुई थी मैं वहां गया था, तो क्यों, मुझे मेरी दादी ने कहा था कि बेटा मुझे लहद में आपने उतारना है, फोन करके स्पेशली कहा था, जिसका कि मेरे कजन को, ईमान को पता है, ठीक है। और वो फिर मैं गया हूँ वहां, मैंने उतारा है, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ, मेरे बच्चे भी साथ गए थे, मेरे 4 बच्चे हैं,
मुझे पता है कि भाई जब इंसान खुद बाप बनता है फिर समझ आनी शुरू हो जाती है ना, काफी कुछ समझ जाता है कि भाई यार ये तो भाई बहुत ही गलत किया, बहुत गलत। अच्छा एक बात मैंने और पूछनी है कि ये जो आपके एक भाई है शहपुर इमाम भी नसन, वो उन्होंने कोई ऐसी बात भी की है, बाप को बुरा भला भी कहा, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या वजह है इस किस बात पर इस तरीके से नहीं, वो? वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। उन्हें वो गाली गुली का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद के मामले में कोई बाप ऐसा हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं खुद बाप हूं यार। मुझे अच्छा तो अब ये आप ये आपका जो ये एक और भाई है इसका नाम क्या है? अजफर अच्छा तो इसको उसको भी आपने अपने पास खुद ही रखा हुआ खुद? 4-5 साल पहले मैंने बकायदा एक खत लिख के दिया था कि यार आप इस तरह करें, घर ले लें अपने नाम पे ले लें। मैंने ये खत लिख के दिया था कि आप अपने नाम पे ले लें, उधर ठीक है जाके हम रह लेंगे, मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, ये रेंट का ही घर है पिछले को तकरीबन 11-12 साल से, ठीक है तो हम उधर जाके एडजस्ट हो जाते हैं। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है उसके बाद फायदा नहीं ना, जब आपका एक तरफ से ना, और ऊपर से अब वो ये कहते हैं कि जी नाफरमान, नाफरमान औलाद नहीं होती, वो किया जाता है नाफरमान। नाफरमान क्यों? अब जाहिर है एक बच्चे को तशद्दुद ही करते रहोगे, मारते रहोगे, माँ बहन की गंदी गालियां देते रहोगे, तो वो आगे को फिर वही बात होगी ना, वो आपको ये मकाफाते अमल है।